कोरोना वायरस का डिसीज चल रहा है, कहीं पे बाहर नहीं घूमना, आप घर पे ही सेफ से रहना। बच्चों आज मैं सातवीं कक्षा का दूसरा पार्ट दो पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों एक पार्ट अध्यापक और विद्यार्थी, अध्यापक और विद्यार्थी के बीच प्रश्नोत्तर का चलता है। सरल वाक्यों में चलने वाला यह सवाल जवाब कुशल संवाद का एक नमूना है। यहाँ पे ये पाठ दिया है अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच में चलने वाले प्रश्न और उत्तर का संवाद। ठीक है बच्चों आप सब जानते हैं आप अपने अध्यापक से कैसे सवाल जवाब करते हैं। अगर आप नए स्कूल में गए तो आप साल के पहले ही आए हो, तो नहीं तो आपके साथ तुम्हारी बहन भाई अगर कोई आपके साथ हो तो कैसा सवाल जवाब अध्यापक और विद्यार्थी के बीच होता है, ये सब इस पाठ में दिया है। मैं पाठ पढ़ने जा रही हूँ। विद्यार्थी, नमस्ते गुरुजी। अब जैसे ही गुरु को देखते हैं, अपने अध्यापक को देखते हैं, अपने टीचर को देखते हैं, पहले आप बोलते हैं नमस्ते गुरुजी। अब क्या बोलना चाहिए? नमस्ते गुरुजी। अध्यापक, नमस्कार, तुम्हारा नाम क्या है? अगर आप पहली बार उन्हें देखे हो तो उन्हें आपका नाम पता नहीं होता, इसीलिए अध्यापक पूछते हैं आपका नाम क्या है। विद्यार्थी, मेरा नाम रमेश है। विद्यार्थी बोलता है मेरा नाम रमेश है, यह मेरी बहन है, मेरी बहन में सिस्टर। अध्यापक, रमेश तुम्हारी बहन का नाम क्या है? तुम्हारा नाम रमेश है और तुम्हारी बहन का नाम क्या है? अध्यापक रमेश को पूछते हैं। रमेश, मेरी बहन का नाम है राधा। यहाँ विद्यार्थी का नाम है रमेश, उनका बहन का नाम है राधा। फिर से अध्यापक पूछते हैं, राधा तुम कहाँ पढ़ती हो? अभी अध्यापक पूछते हैं तुम कहाँ पढ़ती हो, कौन से स्कूल में पढ़ती हो? राधा ने जवाब दिया, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ। अध्यापक पूछते हैं कहाँ पढ़ती हो तुम्हें? विद्यार्थी बोलती है, राधा बोलती है, मैं सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूँ। अध्यापक, यह तुम्हारा भाई है या क्या रमेश? अभी अध्यापक फिर से राधा को पूछते हैं, ये क्या तुम्हारा भाई है रमेश? रमेश ने कहा हाँ, ये मेरे बड़े भाई है। मेरे रमेश बोलते हैं, ये है मेरे बड़े भाई है। और फिर से अध्यापक पूछते हैं, क्या नाम है इसका? रमेश, इनका नाम सुहास। अभी अध्यापक और विद्यार्थी, तीन विद्यार्थी है। पहला विद्यार्थी रमेश, उनके साथ उनकी बहन राधा, रमेश राधा और एक भाई उनके साथ होता है, वो है सुहास। अध्यापक, उनका विद्यार्थी रमेश, उनके साथ उनकी बहन राधा, राधा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है, सुहास उनका भाई रमेश के साथ है। अध्यापक, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? फिर से रमेश को पूछते हैं, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? रमेश बोलता है, मेरे पिताजी वकील है, वकील मीन्स लॉयर। अध्यापक, क्या वे इसी शहर में रहते हैं? अब अध्यापक पूछते हैं रमेश से, क्या ये शहर में तुम्हारे पिता रहते हैं? रमेश बोलता है, जी हाँ, वे इसी शहर में रहते हैं। गुरुजी,
क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अभी रमेश अध्यापक को पूछता है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अध्यापक, हाँ अवश्य, मेरा नाम पवन कुमार। अभी अध्यापक का नाम है पवन कुमार, उनका नाम है पवन कुमार, ये अध्यापक का नाम है पवन कुमार। रमेश तुम्हारा घर कहाँ है? अभी अध्यापक फिर से रमेश से पूछते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है? रमेश बोलता है, हमारा घर विजयनगर में है। आपका घर कहाँ है गुरुजी? अभी रमेश बोलता है, मेरा घर विजयनगर में है। अभी रमेश अध्यापक को पूछता है, आपका घर कहाँ है गुरुजी? अध्यापक बोलते हैं, मेरा घर भी विजयनगर में है, तुम कभी मेरे घर आना बेटा। अभी अध्यापक बोलता है, मेरा घर भी विजयनगर में ही है, आप कभी मेरे घर आना। रमेश बोलता है, हाँ गुरुजी जरूर आऊंगा। अभी रमेश गुरुजी से बोलता है, हाँ गुरुजी मैं आ जाऊंगा। अध्यापक, अच्छा चलो देर हो रही है। अभी अध्यापक बोलते हैं, अभी देर हो रही है, इट इज गेटिंग लेट। ओके अध्यापक, अभी देर हो रही है। रमेश, धन्यवाद गुरुजी, नमस्ते। अभी रमेश बोलता है, धन्यवाद, थैंक यू गुरुजी, नमस्ते, हम भी चलते हैं। ये है अध्यापक पवन कुमार, अध्यापक का नाम है पवन कुमार, ये सब तीन है विद्यार्थी रमेश राधा सुहास, इन इनके बीच में जो संवाद है ये है पार्ट दो, अध्यापक और विद्यार्थी। समझ गए बच्चों? अभी इस पाठ में आने वाले व्याकरण भाग देखते हैं। अभी इस पाठ में आने वाले व्याकरण भाग, जैसे कि आप सब लोग जानते ही पहले ही पिछले क्लासेस में, पिछले कक्षा में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, बालिका,
देखो इधर दूसरा शब्द है बालिका, इसका पुल्लिंग रूप है बालक। बहन स्त्रीलिंग रूप है भाई। बहन भाई। माता पिता, माता पिता। मोरनी मोरनी, ये स्त्रीलिंग है मोर, ये पुल्लिंग है। देखो बच्चों मैं और एक बार पढ़ती हूँ, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अध्यापिका अध्यापक, बालिका बालक, बहन भाई, माता पिता, मोरनी मोर, ये स्त्रीलिंग रूप है, ये पुल्लिंग रूप। जैसे कि आप बोलते हैं सिंगुलर प्लूरल इन इंग्लिश, सिंगुलर एकवचन, बहुवचन प्लूरल।
घर, घरे, इसका बहुवचन रूप है घरे। पत्रिका, पत्रिका, पत्रिकाएं। बच्चा, बच्चा, बच्चे, इसका बहुवचन रूप है बच्चे। शहर, शहरे, शहर, शहरे। बच्चों ये है एकवचन बहुवचन। घर, घरे। पत्रिका, पत्रिकाएं। बच्चा, बच्चे। शहर, शहरे। अभी बच्चों विलोम शब्द, ये पार्ट में आने वाले विलोम शब्द। विलोम मतलब ऑपोजिट वर्ड्स। विलोम, विलोम शब्द, विलोम शब्द। बड़ा, इसका विलोम शब्द है छोटा। बड़ा, छोटा। अच्छा, बुरा। सुख, दुख। बड़ा, छोटा, अच्छा, बुरा, सुख, दुख, दूर, पास। बच्चों ये है पार्ट दो, अध्यापक विद्यार्थी में आने वाले सभी व्याकरण अंश। बच्चों मैं अब तक जो शब्द आपको लिख के दिखाई हूँ, विलोम शब्द, वचन रूप और अंग्रेजी में अर्थ लिखने का और स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये सभी आप दो बार लिख के आप मुझे व्हाट्सएप में सेंड करो। बच्चों ये है आज घर का पार्ट।